कि आप रास्ते में जगह जगह रुककर इस तरह के सीन नजारे देख सकते हैं। घर के बने हुए जो सिड्डू हैं इनका स्वाद अलग होता है। आप देखिए इसमें उल्लू की कैप कैसे होती है। बहुत ही बढ़िया जगह है जहां की ये हमारे घर का घी है, शुद्ध देशी गाय का घी। ये दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हम पंजाब से जीबी की तरफ जा रहे थे और वो 12 घंटे का रास्ता था, तो रास्ते में हमें अंधेरा होने लगा, तो हम इस होटल में हमने स्टे किया और सुबह जहाँ से हम 6 बजे फिर चल पड़े। सत श्री अकाल, मेरे यूट्यूब चैनल पैकफॉर्ट यात्रा में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना है और हम जा रहे हैं जीबी तीर्थन वैली और जलोरी पास को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि मनाली के बिल्कुल पास है। तो हम आपको रास्ते के ये सीन नज़ारे दिखाते जाते हैं और पहले चलते हैं हम जीबी को वहाँ एक्सप्लोर करेंगे और फिर कल हम जाएंगे वहाँ से जलोरी पास और वहाँ ट्रैक करेंगे और फिर हम जाएंगे तीर्थन वैली और फिर हम आगे मनाली की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, रास्ते के सीन नज़ारे देखते हैं और जीबी की तरफ बढ़ते हैं। अभी अप्रैल 2022 चल रहा है। कीरतपुर साहिब से मनाली की जो सड़क है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सड़क को और चौड़ा किया जा रहा है और टनल्स बनाई जा रही हैं। हम मंडी से 4-5 किलोमीटर ही आगे गए थे कि आगे रोड बनाने वालों ने रोड को बंद किया हुआ था, जहां हमको घंटा 1.5 घंटा रुकना पड़ा। पहले उन्होंने ऊपर से पत्थर तोड़े और फिर नीचे से रोड को क्लियर किया और फिर आगे ट्रैफिक को जाने दिया। आगे पंडोह से ओट तक भी हमें काफ़ी जो सड़क की हालत जो ख़राब ही मिली। हम आज जीबी को जा रहे हैं तीर्थन वैली को, तो मंडी से कुछ आगे आकर जहाँ पर एक पंजाबी रसोई हमें एक ढाबा मिला खाने के लिए, तो हम जब उसके ढाबे के पीछे बैक साइड हैं आए तो जहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू हमें नज़ारे देखने को मिले हैं। नीचे जो फसल लगी हुई है, लोगों के घर इतने अच्छे लग रहे हैं, ब्यास दरिया बह रहा है, पीछे पहाड़ी है और अंदर हम आपको अंदर भी काफ़ी अच्छा जो प्रेपरेशन है इनका, वो साफ़ सफाई अंदर भी काफ़ी खूब है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले आप यहाँ के पीछे के जो नज़ारे हैं उनको आप एंजॉय कीजिए। पंजाबी रसोई में रुके हैं मंडी से थोड़ा आगे, तो सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं भटूरों के साथ और फिर आगे के नज़ारे लेते हैं। तो फिर आगे जीबी जाएंगे, जीबी के आसपास के जो नज़ारे हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम भटूरे खाने का ये इसको एंजॉय करते हैं। बहुत टेस्टी है भटूरे, बहुत टेस्टी हैं जहाँ के। तो हम भटूरे खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे चलते हैं जीबी की तरफ। हमने पंजाबी रसोई जो 777 लिखा हुआ है, मंडी से पंडोह डैम के बीच में आता है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था और इसके ब्रेकफास्ट से भी जो अच्छा लगा हमें वो इसके पीछे नज़ारे हैं। जब इसकी बैक साइड जाते हैं तो आपने वो नज़ारे देखे होंगे, वो बहुत लाजवाब थे। तो ब्रेकफास्ट करने का यहाँ पे आनंद आ गया। तो चलिए चलते हैं आगे और टनल और जीबी की तरफ। तो चलिए, ब्रेकफास्ट के बाद हम आगे चल दिए और आप देखिए जे हम और टनल के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ से लेफ्ट साइड को रास्ता मनाली की तरफ जाता है और जो सीधा रास्ता है वो तीर्थन वैली और जीबी की तरफ चला जाता है और हम सीधे ही चलेंगे। जहाँ से रास्ता कुछ संकरा हो जाता है, मगर जहाँ से बंजार तक 2 गाड़ियाँ आपस में क्रॉस कर सकती हैं। तो रास्ते आपको हम रास्ता भी दिखाते जाते हैं और रास्ते के नज़ारे भी दिखाते जाते हैं। हम
हम हॉट टनल से जीबी की तरफ जा रहे हैं, इसी तरफ तीर्थन वैली आती है और यलौरी पास आता है। तो इस इलाके की यही खूबसूरती है कि आप रास्ते में जगह जगह रुककर इस तरह के सीन नज़ारे देख सकते हैं। आप देखिए पीछे कितना बढ़िया दरिया चल रहा है, एक ब्रिज बना हुआ है, घर बने हुए हैं और बाग बगीचे लगे हुए हैं। जो सारी ये रोड है इसकी यही खूबसूरती है कि आप जीबी तक जाते जाते इन खूबसूरत नज़ारों का आप लुत्फ उठाते जाएँ। तो चलिए आगे जीबी की तरफ बढ़ते हैं। हम जीबी के पास पहुंच चुके हैं, जहां से पीछे अगर देखिए हम आपको सीन दिखाते हैं। आपको जीबी का वर्ल्ड आई व्यू ऊपर से दिखेगा। नीचे पानी की धारा बह रही है और नीचे जो गांव और जो लोगों के घर हैं बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं। इधर अब चारों तरफ आपको हम दिखाते हैं कैमरे से कितने घना जंगल है, कितने बढ़िया दृश्य हैं, कितने सुंदर जो वृक्ष लगे हुए हैं। और ऊपर पहाड़ों पर आप देखिए तो बादल भी छा चुके हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हो चुकी है। और पहले हम इन नज़ारों का जहाँ पर खड़ कर कुछ समय लुत्फ उठाते हैं और फिर नीचे जीबी की तरफ जाएंगे अपने होटल की ओर और वहाँ से हम आगे ट्रैक करेंगे। तो पहले आप देखिए नज़ारे और फिर हम चलते हैं यहाँ से। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं टेंट हाउस और वो इग्लू टाइप के जो घर हैं वो आपको टूरिस्टों के रहने के लिए बने हैं। आप जहाँ से देख सकते हैं उनको दोपहर का एक बज चुका है और अब हम जीबी पहुंच चुके हैं, जहाँ पर रहने के लिए बहुत से होटल्स और गेस्ट हाउस और होम स्टे हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक उनको ले सकते हैं। हमने जहाँ पर जो सीडर स्ट्रीम हाउस लिया है, जहाँ पर पानी की धारा हमें नीचे बहती हुई दिखाई दे रही है वो हमको दिखाते हैं। और जो आप देखिए वृक्ष बिल्कुल साथ में है, जैसे जंगल में हमारा होटल बना हुआ हो ऐसे ही लगता है। और पानी की धारा की आवाज़ बड़ी मधुर है। और हम आपको आगे जहाँ पर वाटरफॉल की तरफ चलते हैं वो भी दिखलाते हैं और जीबी में और रहने की जो ऑप्शन हैं वो भी आपको दिखलाते हैं। रात को हम जहाँ पर बोनफायर डिनर करेंगे हम आपको वो दिखलाएंगे। कल हम जहाँ से जलौरी पास की तरफ जाएंगे, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी है, सुबह हम यहाँ से टैक्सी लेंगे, क्योंकि जहाँ से जो ऊपर जाने का रास्ता है 12 किलोमीटर जलौरी पास तक का, वो बिल्कुल जहाँ से 1200 मीटर की अपनी हाइट पकड़नी है तो गाड़ी चलानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा है। इसलिए हम टैक्सी में जलौरी पास जाएंगे और सिलोरसर लेक की ट्रैकिंग करेंगे। अगर टाइम मिला तो वहाँ एक फोर्ट है और वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे और रास्ते में जो सोजा पड़ता है हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम जीबी को एक्सप्लोर करते हैं, नीचे वाटरफॉल देखते हैं और कुछ खाते पीते हैं, यहाँ की लोकल डिश का एंजॉय करते हैं। होटल में बालकोनी में बैठकर जो चाय पीने का मज़ा आया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीचे जो पानी चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम आगे जीबी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। जीबी में जहाँ हमने स्टे किया है होटल सीडर हाउस वो ऊपर बना हुआ है। आप देखिए नीचे पानी की जो धारा बह रही है, साथ में एक सुंदर ब्रिज बना हुआ है और ऊपर वो वृक्षों के बीच घने जंगल के बीच वो हमारा आशियाना है। हम दो दिन जहाँ स्टे करेंगे, कल जहाँ से हम मॉर्निंग जलौरी पास जाएंगे सिलोरसर लेक की ट्रैक के लिए। तो चलिए आगे वाटरफॉल एक्सप्लोर करते हैं जीबी का। We'll be right back.
जहाँ जीबी का जो 200-300 मीटर का जो बाजार है, हम आपको वो दिखलाते हैं कि जीबी कैसा है और कितना बड़ा है, और आपको हम जीबी के नज़ारे भी दिखलाते हैं, और जहाँ रहने के लिए जो ऑप्शंस हैं, होम स्टे हैं, चाहे होटल हैं, चाहे वो टेंट हाउस हैं, वो भी हम आपको दिखलाते हैं। ये डोली पेइंग गेस्ट हाउस है, इसको HPDTC ने अप्रूव किया हुआ है। इसको मड से और लकड़ से बनाया गया है, इको फ्रेंडली है ये। बंजार जहाँ से 8 किलोमीटर है, मनाली 98, रोहतांग पास 148 किलोमीटर है। यहाँ पर जीबी जब शुरू होता है, एक हमें बड़ा बढ़िया यहाँ पर एक होटल कम रेस्टोरेंट लगा, जो इसको जीबी हाइनस बोलते हैं। इनका हम नीचे ये गार्डन देखने आए हैं, बैठने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और रात को हम जहाँ डिनर करने आएंगे तकरीबन 7:30-8 बजे, तो यहाँ बोन फायर का लुत्फ़ उठाएँगे। ऊपर दे चलने के लिए मचान भी बना हुआ है, और मेरे इस साइड देखें तो यहाँ पर टेंट हाउस लगे हुए हैं पेड़ों के बीच। बहुत बढ़िया गार्डन बना है, उसके बीच टेंट हाउस लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो चलिए ऊपर मचान की तरफ चलते हैं, और रात को जहाँ डिनर का आनंद लेंगे तब ऊपर चलकर देखते हैं। जहाँ खड़े होकर देखने का अलग ही नज़ारा है। ये जो वृक्ष लगे हुए हैं इस तरफ, दरख्त लगे हैं, पाइन ट्रीज लगे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और उनके नीचे टेंट हाउस लगे हुए हैं, और उनके साथ वो गार्डन बगीचा लगा हुआ, फलों के दरख्त लगे हुए हैं। इस होटल में मैंने एक और बात देखी है कि ये छोटा सा ये गांव है जीबी, बड़े बड़े शहर में तो जहाँ पर जिम होती हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जिम लगाया हुआ है। वैसे जो हमारे जैसे लोग आते हैं बाहर से, उनकी तो एक्सरसाइज यहाँ पहाड़ों के ऊपर नीचे होने में बहुत हो जाती है, फिर भी बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ रहने आते हैं वो जहाँ पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जहाँ से जीबी स्टार्ट होता है, तो कुछ आपको हम जहाँ से जीबी के हम व्यू भी दिखलाते हैं, तो आप उन व्यूज़ का भी नज़ारा लीजिए। जीबी में जो ग्रीन कलर की डालवी छत के जो घर बने हुए हैं, जहाँ ऊपर आप देखिए पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल जो घर बने हुए हैं, वो पुराने कल्चर को दिखाते हैं, जीबी के सभ्याचार को दिखाते हैं, तो वो इन वृक्षों के कारण और भी सुंदर लगते हैं। जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं सामने, ये ट्री हाउस है, जीबी में ट्री हाउस की बहुतात है। हम जहाँ फोकस हिमालय के जो देखने आए हैं, टेंट लगे हुए हैं, नीचे पानी की एक धारा बह रही है, बहुत अच्छी स्ट्रीम बह रही है, उसकी आवाज आ रही है। और हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, कौन से पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे? सेब के पेड़ हैं अभी, वह एप्पल ऑर्चर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और उनके बीच ये टेंट लगे हुए हैं। क्या आपके क्या रेंट क्या होगा आपका टेंट? ये हमारा पर हेड रहता है 900 पर हेड, 900 एक रात के लिए। इसमें खाना पीना उसके साथ डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। हाँ, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है 900 रूम में, और बड़ा बढ़िया नज़ारा है। देखें अंदर से कोई एक, आइए देखते हैं। ये पीछे के जो वॉशरूम बने हुए हैं, और ये बेसिक सहूलतों के साथ है, रेंट भी ठीक लगा है हमें, और लोकेशन बहुत अच्छी है, पानी की धारा बह रही है, उसकी अच्छी आवाज़ आ रही है। इसी तरह के जहाँ और भी होम स्टे आपको, और भी रहने के लिए आपको जगह मिल जाती है जीबी में, तो बहुत अच्छा ये जीबी है, जो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। जीबी में यहाँ पर हम एक शॉप पर आए हैं, जहाँ पर सभी बुलियन सामान रखा हुआ है, सारा जो सामान है जो हिमाचल का सभ्याचार है, ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमें आप दिखाइएगा कुछ थोड़ी सी आइटम्स। जी भाई साहब, ये कैब कौन सी है, कनौरी है या गद्दी है? ये कुल्लू कैब है। ये कुल्लू की कैब है, आप देखिए इसमें कुल्लू की कैब कैसे होती है,
और इसका क्या रेट होगा भाई साहब? ये 250 का। 250 का ये हेम्प का बना हुआ है वॉलेट जी, ये नेचुरल घास से बनी हुई चप्पल है, पूला बोलते हैं इसको, आप अंदर से पहन सकते हैं। क्या रेट होगा इसका? 200 रुपये। एपिसोड की लेंथ ज़्यादा हो जाने के कारण हमने एपिसोड को दो भागों में बांट दिया है। अगले भाग में हम देखेंगे जीबीका वाटरफॉल और जहाँ का जो लोकल फूड है उसको बनाएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।